हेलो गाइस, क्या हाल चाल, नमस्ते और सत श्री अकाल। तो आज है संडे और मैं जाके आया हूँ इसी गुरुवार को, मतलब थर्सडे को मैं जाके आया हूँ अहमदाबाद। जिन लोगों को नहीं पता है कि अहमदाबाद में क्या होता है क्या नहीं होता है, आज ये वीडियो में सारा वही चीज़ डिस्कशन होने वाला है कि हम अपने फार्मेसी काउंसिल में जाके क्या क्या डॉक्यूमेंट अप्लाई करना है, वो सारी चीज़, लाइसेंस के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम। तो जिसको इस वीडियो में ये जानना है कि फार्मेसी का लाइसेंस जो है कैसे अप्लाई करना है अदर स्टेट वालों को, वही यहाँ पे टिके, नहीं तो बाकी आप जा सकते हैं दूसरे वीडियो पे, ये वीडियो को क्विट करके, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लग सकता है हमारे फार्मेसी काउंसिल में जो अदर स्टेट के हैं और जिनको न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना है और जिनको ट्रांसफ़र करवाना है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी गया था अहमदाबाद, ठीक है। उसमें अगर किसी को न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना है तो सबसे पहले जो अहमदाबाद का फार्मेसी काउंसिल है वो 11 बजे खुलता है। तो अगर आप सूरत से जा रहे हो या फिर कोई अदर जगह से जा रहे हो तो आप 11 बजे से पहले पहुंचोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है। पहले अदर स्टेट वालों का कैसा था कि उन 350 का कुछ सिक्का मरवाना था वकील के पास से और भी बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लगते थे, बट वो सीन नहीं है अभी, कुछ सब हटा दिया है, सब कुछ कैंसिल हो चुका है। अभी आपको खाली इतना करना है कि मैं इधर साइड में एक पोस्टर मैं वो कर दे रहा हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ऑलरेडी लगते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है न्यू रजिस्ट्रेशन वालों के लिए और जो मतलब ट्रांसफ़र करवा रहे हैं उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर भी मिल जाएगा आपको फ़ोटो के साथ और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे, ठीक है। तो उसमें आपके जो फ़ोटो हैं, आधार कार्ड है, फिर रेसिडेंशियल एड्रेस है जहाँ पे आपका लाइसेंस आएगा, वो सारी चीज़ें उसमें लगने वाले हैं। और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो तो तुम्हारे पास वो लेना है, या फिर बोनोफाइड चाहिए, और ऐसी सारी चीज़ें चाहिए जो कि आपको यहाँ साइड में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो कि ये सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और वो सारे डॉक्यूमेंट को कैसा कि सिंगल सिंगल पीडीएफ बनाना है, जैसे आपका फार्मेसी का फर्स्ट और सेकंड ईयर वाला है उसका एक में ही बनाना है पीडीएफ, और आधार कार्ड का आगे और पीछे वाले का जो भी डॉक्यूमेंट है वो एक साथ बनाना है, बाकी सब सिंगल सिंगल बनाने हैं। और वहाँ पे आपको पीडीएफ बना के रखना है, आपको अंदर जब बुलाया जाएगा सारा डॉक्यूमेंट बाहर वेरीफाई करने के बाद, सबसे पहले आप जाओगे ना तो आपको वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको आपको फिल करना है, वो फिल करके आपको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जो कि मैंने बताया कि यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप जब सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगे उसके बाद आपको पीडीएफ बनाने का बोला जाएगा, तो आप ये सब अगर पहले ही बना के लेके जाओगे तो आपके लिए ईजी रहेगा और आराम से सारी चीज़ें तुम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि पीडीएफ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, बट मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं हुआ था क्योंकि मैं बनाता रहता हूँ हमेशा पीडीएफ, कोई ना कोई चीज़ों का मेरे को हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आप लोगों को थोड़ा टाइम लग जाएगा इसके लिए, आप अगर घर से ही सारा पीडीएफ बना के ले जाओगे तो आपके लिए इजी होगा और आपका नंबर वहाँ पे जल्दी लग जाएगा, ठीक है। और ओनली गुरुवार को ही जो अदर स्टेट वाले हैं जिनको ट्रांसफ़र करवाना है या फिर जिनको न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना है उनके लिए खाली थर्सडे का ही है, तो आप थर्सडे को ही जाइए, ठीक है। और कोई कॉल करके पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑनलाइन आपको कुछ सबमिट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको जाना है फार्मेसी काउंसिल में, वहाँ पे जैसा कि मैंने बताया वो फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सारे के सारे वहाँ पे दिखाने हैं और वो मैडम आपको वेरीफाई करके बताएगी कि हाँ ओके दिस इज़ ओके, और बोलेगी कि पीडीएफ बना लो, और पीडीएफ आप ऑलरेडी बनाए होगे तो आप उनको बोल सकते हो कि पीडीएफ बन चुका है, तो आपको वो अंदर बुला लेंगे। अंदर बुलाएंगे तो वहाँ पे आपका सारा का सारा जो भी पीडीएफ आपने बनाया है वो अपलोड कर दिया जाएगा फार्मेसी काउंसिल में, और उसके बाद आपका एक फ़ोटो लिया जाएगा, आपसे कुछ 5100 समथिंग रुपीज़ पे करना है आपको ऑनलाइन, और हाँ ये जो 5000 वाला सिस्टम है ये आपको ऑनलाइन पे करना है, तो आप अपने बैंक अकाउंट में रखिए, या फिर अगर आपको किसी से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट से करवाना है तो उसके बैंक अकाउंट में रहना चाहिए पैसे 5100 कुछ रुपए, ठीक है। एंड वहाँ पे शायद कुछ थोड़ा बहुत चार्ज लेते हैं, मतलब 100 रुपया या फिर 80 रुपया 50 रुपया ऐसा कुछ चार्ज लेते हैं, तो वो आपसे कैश लिया जाएगा। एंड आपको एक फ़ोटो खींच के मतलब वहाँ पे चेयर रहेगी, वो चेयर पे बैठा देंगे और आपको फ़ोटो एक खींच के और बोलेंगे कि कोई हो गया सारा का सारा, और उसमें जो वो लोग डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं, जो जेरोक्स डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं, उसमें आपको दो अपने LC का, सॉरी TC का देना है,
और उसके बाद एक आधार कार्ड का फ़ोटो चाहिए, फार्मेसी का सर्टिफिकेट का चाहिए, और दो दो जो है सेकेंड ईयर का और जो आपका मार्कशीट है उसका दो जेरोक्स चाहिए। तो बस इतना सा ही डॉक्यूमेंट उसमें जेरोक्स में उनको जमा करना है, बाकी ओरिजिनल में सारी चीज़ें दिखाने के लिए ले जानी है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ प्रोसेस होने के बाद, ये फ़ोटो वगैरह खींचने के बाद, वो सामने से बोल देंगे कि आपका हो गया है। और कभी कभी किसी किसी पे डाउट आता है तो वो लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ये चीज़ कैसा है, ये चीज़ पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। तो वो थोड़ा सा आप प्रिपेयर करके जाना अगर आप जा रहे हो तो। और इस वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म। आई होप कि आप सभी को कुछ पता चला होगा इस वीडियो के थ्रू। अगर पता चला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ जिसको जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए और जिसको ट्रांसफ़र करवाना है गुजरात में या फिर सूरत में, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। बाकी सब बढ़िया है, इस वीडियो को यहीं पे कर देते हैं ख़त्म। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, बूम।